हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे को न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फोर सेल सिमुलेटर। पिछली वाली वीडियो में आपने मेरे क्या देखा था कि गाइस मैंने अपने ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉयर को हायर कर रहा था एंड कुछ गाड़ियां बच गई थी तो उनको भी अपग्रेड करा के कलर करा के एंड अपने ऑफिस के अंदर पार्क करा था। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर हम और भी ज़्यादा गाड़ियाँ लेके आने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो सीधे चलते हैं वीडियो में। सो गाइस आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने अपने शोरूम को भी पूरी गाड़ियों से भर दिया था, मीन्स बहुत सारी गाड़ियाँ लेके आया था। और आज की वीडियो के अंदर भाई अपने और भी ज़्यादा गाड़ियाँ हम लेके आएंगे और अपने शोरूम को भी पूरा खचाखच भर देने वाले हैं। और गाइस आज सबसे बढ़िया बात है, आज कार मार्केट प्लेस भी ओपन है और कार मार्केट प्लेस मेरे ऑफिस से बहुत ज़्यादा पास में है। तो अभी अपन अपनी लैम्बोर्गिनी उठाते हैं एंड सीधे चलते कार मार्केट प्लेस। और भाई अपने लैम्बोर्गिनी के अंदर देख रहे हो भाई गाड़ी का टायर कैसे मतलब ऊपर नीचे हो रहा है भाई, इसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रखी है। बट वेट गाइस ये क्या देख रहे हो भाई, ओडी आर आर आ रखी है अपने। और भाई मेरे पास जो डॉलर है भाई 9 लाख डॉलर मेरे पास पड़े हैं, 9,50,000 डॉलर। एंड यहाँ पर एक ओडी आर आर आ रखी है, देखते हैं भाई कितने की बोल रहा है ये। भाई ये बोल रहा है 3,30,000, 3,30,000 की बोल रहा है। तो मैं इसको भाई 45% डैमेज्ड है भाई, इतनी ज़्यादा डैमेज्ड है। तो इसको मैं बोलता हूँ 3 लाख, 3 लाख में अगर देनी है तो दे, वरना मैं तेरे से नहीं ले रहा भाई। मैं तो 280 में खरीद लूँगा, वरना 3 लाख की दे दे भाई मैं। चलो गाइस बिक गई ओपी गाइस, हमको यार ये गाड़ी मिल चुकी है ओडी आर आर। एंड देखते भाई और कौन सी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ पे खड़ी होगी। तो इसको पहले अपन सीधा अपने शोरूम के बाहर टो करवाते। एंड अभी देखते और कोई गाड़ी आ रखी है पास में। तो गाइस यहाँ पर एक BMW खड़ी है और यहाँ पर एक अपनी माफिया गाड़ी है और एक ओडी है। बट यहाँ पर एक रुको गाइस, यहाँ पर एक पोर्चे खड़ी है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इस पोर्चे को भी हाथों हाथ ले ही लेते हैं। तो मैडम जी ये पोर्चे आप कितने में दोगे बताओ मेरे को? ये 265। तो यार 2 लाख में तो भाई ये नहीं देने वाली यार, मेरे को तो नहीं लगता ये 2 लाख में देगी पक्का। ये अपना भाई भाई दिखती तो बढ़िया बट ये देने नहीं वाली। आंटी जी आप बहुत सुंदर हो यार बट दोगे तो नहीं, मुझे पता भाई मना कर दिया। देख रहे भाई बोल रही है यार भाई ये एक्सेप्टेड है ही नहीं प्राइस, ऐसे बोल रही है। क्या कम कर रहा, थोड़ा कम कर दो भाई, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओ, ऐसे बोल रही है। आप सुंदर भी बहुत हो बट आप मेरे को गाड़ी नहीं दोगे, मुझे पता है। एक काम करो 2,20,000 डॉलर ले लो एंड गाड़ी दे दो भाई सीधे साफ बात। चलो गाइस गाड़ी मिल चुकी है भाई, यार 2,20,000 डॉलर में हमको गाड़ी मिली है, एक न्यू पोर्चे। एंड इसको भी करते भाई शोरूम के बाहर टो करवाते। एंड अभी भाई कोई भी बढ़िया गाड़ी तो यहाँ पे है नहीं। एक यहाँ पर एक और BMW खड़ी है, एक कूपे खड़ी है, एक माफिया गाड़ी एंड एक टेस्ला खड़ी है। भाई ये गाड़ी है तो भाई मेरे को इतनी पसंद नहीं है। तो अभी अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं एंड सीधा चलते भाई सीधा शोरूम पर चलते हैं। फुल स्पीड में जाएगा भाई सीधा शोरूम पर। तो भाई पहुंच चुके अपने भाई, सीधा आ चुका मैं अपने शोरूम पर। एंड अब ये काम करते एक एक करके अपनी गाड़ियाँ जो है वो रिपेयरिंग पे लेके चलते हैं एंड इनको रिपेयर करा के और भाई इनको बेचेंगे, ठीक है भाई? मतलब इधर शोरूम पर पार्क करके एक एक करके बेचेंगे भाई बाद में, जब तक अपना शोरूम में पूरा भर नहीं जाएगा तब तक भाई भाई हम एक भी गाड़ी नहीं बेचने वाले। तो देखते भाई ये कितना परसेंट डैमेज है। भाई ये तो 45% डैमेज थी। तो इसको भाई ये यार ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, मैं देखा था भाई ये डैमेज नहीं है। तो इसको रुको पहले अपन शोरूम के बाद टो सीधा अपन मतलब रिपेयरिंग पे भेज देते हैं एंड इस वाली गाड़ी को लेके जाने वाले हैं। क्योंकि भाई मेरे को लास्ट टाइम याद है मैंने अपने जो शोरूम गैरेज है ना उसके ऊपर भाई एक पोर्चे और रख रखी है, ठीक है? तो भाई यहाँ पर दो ही जगह थी तो दोनों भर रखी, तो हमको ये वाली पोर्चे चला के लेके जानी पड़ रही है। एंड भाई ये तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, तो इसको भाई हम पहले कलर ही करा लेते हैं। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इसको मैं ग्रीन कलर करूँ क्योंकि मेरे पास में ग्रीन कलर की एक भी पोर्चे नहीं है, ठीक है? तो भाई हम इसको ग्रीन कलर कराएंगे एंड यहाँ पे मेटेलिक कलर कर दे एकदम भाई शानदार भाई कर देते एकदम भाई, क्या ही लग रही है यार, इसको ग्रीन कलर भी कर देते हैं। एंड अभी देखो भाई साहब, भाई 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 देख रहे हो भाई ये बंदा भी सुधर, भाई क्या ही तो कलर करा इस बंदे ने। अभी देखो भाई क्या ही लग रही है, कमेंट करके बताओ गाइस अपनी पोर्चे कैसे लग रही है सब। भाई यार क्या ही तो साइन मारे गाड़ी। एंड अभी देखो भाई एक पोर्चे खड़ी है एंड अपनी ओडी आर आर खड़ी है, तो इन दोनों को रिपेयर पे डाल देते हैं भाई। 900 डॉलर भाई बहुत खर्चा है इस पे तो। एंड अपनी ये वाली पोर्चे भी डैमेज है, 40 डॉलर बस गाइस, ये तो 2 मिनट में रिपेयर हो जाएगी। एंड इसको पहले अपन लेके चलते भाई सीधे शोरूम पर, इसको भाई लेके जाएंगे एंड इसको भाई अपन डायरेक्ट इस पर मतलब जो अपना शोरूम है ना उस पर डायरेक्ट पार्क कर देगा, ठीक है? मतलब यहाँ वहाँ नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इसको पार्क करके भाई 1 मिनट में भाई सारा काम कर देगा। पहले पार्क कर लेते शोरूम पर डायरेक्ट, उसको यहाँ पे रोकते हैं भाई। यहाँ पे एक जाली लगा रखी है भाई, ये देख रहा अपना शोरूम पर भाई अपने आप काम करता है, अपने आप क्लीन करता है, सब कुछ अपने आप करता है, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, सबसे बढ़िया बात ये लगी मुझे। तो इसको अपन आराम से यहाँ पे करते एंड इसको भी यहाँ पे कर देते हैं पार्क, आराम से पार्क करेंगे भाई, ठोकनी नहीं है भाई अपनी गाड़ी को। तो भाई यहाँ पे हमारे चुके पार्क, नहीं ये आ चुका भाई अपनी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए।
तो अभी उठाते अपनी लैम्बोर्गिनी, चलते भाई सीधा गैरेज पर, एंड गैरेज चल के भाई अपनी गाड़ी को रिपेयर भी कराना मुझे तो भाई अभी, मतलब रिपेयर तो हो गया उनको, अभी कलर कराना है। ठीक है रिपेयर तो मैं कर दिया, बट उससे पहले अपनी लैम्बोर्गिनी के टायर देखो भाई कैसे, मतलब ये भाई मेरे हिसाब से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं, तो मेरे को इसका सस्पेंशन से ना भाई थोड़ा बहुत उठाना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कर रही है यार लैम्बोर्गिनी, मतलब इसके अंदर भाई पूरी अंदर जाए जा रही है। तो रुको कहाँ पे गई ये रहा, और अभी देखो भाई इतनी इतनी उठाएगा गाइस हम, क्योंकि भाई यार बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है भाई यार लैम्बोर्गिनी। तो रुको रुको एक काम करते, तो इतना ऊंचा उठाने का मतलब नहीं भाई, तब तब तो भाई लैम्बोर्गिनी लगेगी नहीं यार ये तो भाई, ये तब तो ओडी लगेगी, ओडी थोड़ी बनानी, लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी होती है भाई, पूरा डाउन तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत उठा लेते हैं जिससे टायर इसके अंदर नहीं जाए, टायर इसके अंदर जा रहे हैं तो भाई गाड़ी जो है ऊपर नीचे रही वो यार सही नहीं लग रहा है। एंड व्हील भाई यार वो वाले सही लग रहे थे, बट देखते कोई बढ़िया आ रखे होंगे तो भाई बढ़िया से हम लगा देंगे, अपडेट के अंदर भाई कोई बढ़िया सी चीज़ आती है भाई, अब अपडेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, देखते हैं भाई कोई भी यार इतना बढ़िया तो मुझे लग नहीं रहा है भाई, ये वाले तो सही नहीं है, ये वाले सबसे बेस्ट है जो मैं लगा चुका हूँ पहले से ही। एंड ये वाले व्हील भाई बहुत सही लगते हैं लैम्बोर्गिनी के ऊपर, पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको भी हम लेते हैं बैक। अब देखो भाई ये बिल्कुल भी टायर अपना ऐसा नहीं हो रहा है जैसा पहले हो रहा था, एंड अभी फुल स्पीड भगा था अपनी लैम्बोर्गिनी को यहाँ से, बट गाइस अभी नहीं भाई, पहले अपनी गाड़ियों को भी कलर भी तो कराना है ना, अपनी पोर्चे एंड ऑडी आर आर को, भाई इनको तो मैं भूल ही गया यार, इनको कैसे भूल सकता हूँ। तो देखते भाई ये 0 पर हो चुकी है रिपेयर, एंड अभी इसमें होता है एंटर, एंड इसको लेके चलते भाई सीधा भाई अपने पेंट शॉप पर, इसको भाई एकदम बढ़िया कलर कराते हैं। गाइस मेरे पास ऑलमोस्ट सारी कलर की जो पोर्चे है, गाइस मेरे पास ग्रीन कलर की है, ब्लू कलर की, येलो कलर की है, एंड पिंक कलर की भी है, तो भाई मैं इसे सोच रहा हूँ भाई इसको रेड कलर की कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सारी कलर की पड़ी है, तो इसको भाई सीधा रेड ही करेगा। ठीक है ज़्यादा यार इधर उधर नहीं देखते, सीधा रेड कलर करते हैं, एंड पॉलिश कर देते भाई थोड़ा डार्क नहीं, इस बार थोड़ी लाइट पॉलिश करेंगे, इतनी डार्क नहीं करने वाले, क्योंकि भाई ज़्यादा इस पर ब्लैक कलर दिखेगा तो भाई रेड कलर जो है अच्छा नहीं लगेगा, तो इस पर लाइट पॉलिश कर दी। एंड अब इसको सीधा शोरूम पर भेज देते हैं, एंड अभी अपनी ओडी आर आर को उठाते हैं। तो गाइस कमेंट करो गाइस मेरे को ओडी आर आर पे कैसा कलर करना चाहिए, मीन्स आपको कौन सा कैसा कलर पसंद है लाइक ओडी आर आर पे। ठीक है अगर आपकी ड्रीम कार होगी ओडी आर आर, तो आप कैसा कलर कराओगे इस ओडी आर आर पे। एंड गाइस अगर इस ओडी आर आर के अंदर भाई अगर हम नाइट्रो लगा सकते हैं ना भाई नाइट्रो, तो भाई भाई हम उसको पर्सनल गाड़ी बना लेते हैं, बट इसके अंदर नाइट्रो तो लगता ही नहीं है, एंड लास्ट टाइम मैंने पिंक कलर की तो ओडी आर आर थी, तो इस बार मैं येलो कलर की करूँगा। ठीक है तो भाई रेड तो बहुत गंदी लग रही है भाई, ये तो यार रेड तो बहुत बेकार लग रही है, पिंक तो मैंने बनाई थी, इस बार मैं ब्लू कलर करूंगा, एंड इसको पॉलिश से भाई है ना, मीन्स पॉलिश से थोड़ा बहुत ग्रीन लुक देगी, ग्रीन लुक देगा ना तो भाई एकदम बढ़िया लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट पूरा येल्लो नहीं ग्रीन, ग्रीन करेगा तो भाई थोड़ा ब्लू ब्लू भी दिखाई देगा, एंड कलर एकदम बेस्ट एकदम बढ़िया दिखाई देने वाला है। तो अभी इसके कुछ पार्ट्स हैं, $432 के पार्ट्स पेंट करेंगे, एंड $300 भाई इस कलर के, एंड भाई पॉलिश के भी $300 ले लेता है, देख रहे हो भाई कितना खर्चा है भाई गाड़ी के अंदर, एंड पॉलिश भी हो चुकी है, कलर भी हो चुका है। एंड एक काम करते गाइस इस वाली ओडी आर आर के अंदर हम देखते हैं क्या पता गाइस इसके अंदर अगर नाइट्रो लग गया भाई, अगर इसके अंदर नाइट्रो लगा ना तो मैं भाई इसको अपनी पर्सनल कार बना लूंगा। ठीक है अगर इसके अंदर नाइट्रो लगा तो, ठीक है तो इसको अपन आराम से अपन करते हैं पहले पार्क, रुक जा भाई ब्रेक लग जाए यार इसके बीच में आराम से, एंड भैया से बात करते हैं, भैया इसके अंदर नाइट्रो लगा दो यार, तो भाई देख लो नाइट्रो इसके अंदर नहीं लग सकता, टर्बो लग सकता है, एंड रेसिंग किट तो हमारे पास पहले से ही है, तो वैसे अब तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, हम इसको भी अपन मतलब सेल पे लगाए के इसको भी अपन शोरूम के बाहर टो कराते हैं यहाँ से, फिर रुको पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से, एंड इस गाड़ी को मैं आपको लुक दिखाता हूँ, इसका कलर मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कैसा बढ़िया लग रहा है कलर। तो भाई नाइट्रो तो इसके अंदर नहीं है, चेक कर लिया नाइट्रो भी नहीं लगा है भाई, एंड रुको अभी अपन यहाँ पे पार्क करते गाड़ी को, एंड अभी देखो कलर देखो भाई कलर कितना बढ़िया लग रहा था, इसको भी शोरूम के बाहर हमने भेज दिया है, एंड अभी अपनी लैम्बोर्गिनी उठाता है फुल स्पीड में लेके चलते भाई सीधे अपने ऑफिस के बाहर, और भाई उसको तो अपना शोरूम के जितनी भी गाड़ियाँ थी ना भाई उसको अंदर पार्क करते। ठीक है एंड रुको अपन इसको भाई यहाँ पे रोकते लैम्बोर्गिनी को, एंड एक एक करके अपने शोरूम पर भाई सारी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, सबसे पहले अपनी पोर्चे को लेके चलते हैं सीधा शोरूम के अंदर, एंड उसको पार्क करते हैं गाइस उसको आराम से, गाइस ऑलमोस्ट मेरे पास सारी पोर्चे है, देखो भाई हमने इसको पार्क कर दी, मेरे पास रेड कलर की भी है, येलो कलर की भी है, और भाई मेरे पास ब्लू कलर की भी और ग्रीन कलर की भी और पिंक कलर की, तो भाई मेरे पास पर्सनल है ही, तो भाई सबसे पहले अपनी लैम्बोर्गिनी को थोड़ा अच्छे से मतलब पार्क करते। ठीक है मतलब जो अपनी लैम्बोर्गिनी सही से पार्क नहीं है, ठीक है सारी गाड़ियों को अच्छे से पार्क करते हैं, अपना शोरूम ऑलमोस्ट पूरा मतलब ऑलमोस्ट का भाई अच्छे से भर चुका है, एंड अपनी जो पोर्चे है अब इस पोर्चे को भी अच्छे से अपन यहाँ पे पार्क करते हैं, एंटर ही नहीं हो रहा भाई रुको हो गया चुका है, तो अभी अपनी पोर्चे को यहाँ पर हम आगे आराम से लेके आते हैं, रुको भाई इसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं,
तो यार ये सही लग रहा है। रुको, इस कैमरा एंगल थोड़ा सही करके एंड अच्छे से इसको पार्क करते हैं पोर्चो को। तो भाई रुको, ये चलो गाइस, ये बिल्कुल सही है। एंड अभी अपनी सुपर है, इसको भी पार्क करते हैं। बट गाइस यहाँ पे नाइट हो चुकी है, तो क्या हो गया भाई, नाइट में हम काम तो कर ही सकते हैं ना। तो अभी हम पूरे अच्छे से गाड़ियों को यहाँ पे पार्क करके उसके बाद ही चलेगा सीधा सोने के लिए। तो अभी भाई अपन इस ओडी आरआर को भी अपन ऑफिस के अंदर पार्क कर देते हैं। तो भाई अपन सीधा बैक ही ले गए, बट गाइस ठुकनी नहीं चाहिए। तो कैमरा एंगल पहले अपन सही करेंगे, बट ठुकनी नहीं चाहिए भाई। ये अभी तो कोई रिपेयर भी नहीं करेगा, क्योंकि सारे जो है वो रिपेयरिंग शॉप वाले सब अभी भाई अपने छुट्टी पे गए हो गए, मीन्स अपने घर घर चले गए हो गए। भाई इनकी रिव्यू भी इनके इंतजार करती होगी ना भाई। ये भी तो खाना पानी करेगी ना क्या, हम तो अभी करते नहीं है भाई। हम गेम के अंदर खाना नहीं खाते, देख रहे भाई, मतलब अब तक हम जिंदा हैं, मेरे 55 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, मीन्स 56 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। एंड भाई मैं अभी तक जिंदा हूँ, देख रहे भाई, मतलब गेम के अंदर। एंड भाई यार मेरे को यहाँ पे इसकी जो है, देख रहे भाई, मतलब इसका लेवल जो था ना वो सही नहीं लगा। तो अभी एक काम करते, एक एक करके इन इस वाली लाइन को है ना भाई बाहर भेजते हैं। एंड अभी अपनी ओडी को है ना भाई, इसको सही से पार्क करते हैं, सारी गाड़ियों को एक एक करके अंदर लेके आएगा, ठीक है। तो भाई अपना जो आदमी है, मतलब मीन्स जो अपना एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये भाई अपना आप गाड़ी को रिपेयर करता, अपने आप सारा काम करता है, अपन कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई। कचरा अपने आप उठा देगा, गाड़ी अपने आप क्लीन कर देगा, सारा काम भाई बिल कुछ बिना बोले अपने आप कर देता भाई। ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगी है इसकी। तो भाई यार रुको, इसको थोड़ा ऊपर वाले कैमरा एंगल से देखना पड़ेगा कि ये सही से तो खड़ी है ना। रुको, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो भाई ठीक से दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखते हैं भाई, यहाँ से एकदम सही दिखेगा। तो भाई रुको, थोड़ा सा और आगे। तो भाई चलो गाइस, ये बिल्कुल सही लग रही मुझे। एंड अभी अपनी ग्रीन वाली पोर्चो लेके आते हैं भाई। यार ये अपनी साफ़ करने, साफ़ सफाई करने के लिए चले गया एम्प्लॉयर भाई। लास्ट टाइम आपको पता है मैंने एम्प्लॉयर का हायर करना था। एंड भाई सबसे बढ़िया डिसीजन मेरा, तो ग्रीन वाली से पहले भाई हम ब्लू वाली ले गए, ठीक है भाई। क्योंकि भाई ये मेरे इसके पास में येल्लो है, तो येल्लो के पास में भाई ब्लू कलर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, मतलब ब्लू कलर भाई सबसे बेस्ट लगता है येल्लो के पास में, ठीक है। तो अभी यार गाइस मैं सारी गाड़ियाँ पे खड़ी कर दी है। गाइस मैंने येल्लो के बाद में अपनी जो ये वाली गाड़ी थी इसको भी पार्क कर दी थी, टेस्ला। एंड अभी अपनी पोर्चे को भी अपन पार्क कर देते हैं भाई। ग्रीन ग्रीन भाई, कितनी ग्रीन गाड़ी है मेरे पास में भाई, 3 ग्रीन है और मेरे पास पोर्चे कितनी है भाई, 4 ने 5 पोर्चे मेरे पास में लिटरली भाई। देख रहे हो, 1 2 3 4 रेड कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की एंड या फिर ग्रीन कलर की एंड पिंक कलर की मेरे पास पर्सनल है, ठीक है। मेरे पास 4 तो पोर्चे ही है भाई। रुको, इसको कहाँ बंद कर दिया, इसको भी अपन रुको यहाँ से इसको आराम से बंद करेंगे भाई। ये तो डैमेज भाई, ये क्या आ गया, रुको सही हो गया। एंड ये तो डैमेज नहीं था। एंड एक काम करते हैं, अभी अपनी सारी गाड़ियों को एक एक करके शोरूम के बाहर ऐसे खड़ी कर देते हैं, ठीक है। शोरूम के बाहर यहाँ से टो करा देते हैं, इसको भी टो कराते हैं। एंड अपनी फरारी को भी अपने यहाँ पे टो करा देते हैं। एंड अभी देखो भाई, क्या ही तो लग रहा है भाई साहब, भाई एक नंबर लग रहा है। बट यार यहाँ से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया अपनी गाड़ियों को कैसे पोर्चे खड़ी करी थी, वैसे शोरूम के बाहर खड़ी करते थे एक एक करके, ठीक है। तो भाई सारी गाड़ियों को मैंने अपने यहाँ पे खड़ी कर दी है। एंड लास्ट अपनी पोर्चे है, तो पोर्चे को भी अपने यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो भाई आराम से इसको भी अपने यहाँ पे खड़ी करते, आराम से, ठुकनी नहीं चाहिए भाई। यार गाड़ी ठुक गई है, ठुकी तो नहीं भाई, बस हल्की सी टच हुई, बट डैमेज नहीं हुई है, ठीक है। हल्की सी टच हुई थी बट डैमेज नहीं हुई है। तो इसको भी अपने यहाँ पे करते हैं सीधा पार्क। तो भाई रुको, अभी आपको दिखाता हूँ अपना शोरूम का लुक दिखाता हूँ, थोड़ा सा वैसा ही है। ये थोड़ा बैक लेते हैं। एंड अभी भाई रुक जा यार, चलो गाइस हो गया। एंड अभी ऐसे बाहर निकलते हैं। अरे निकल भाई, फंस गया, रुको मैं फंस चुका हूँ। एंड अभी अपना शोरूम का लुक देखो भाई, कितना लग्जरी लग रहा है अपना शोरूम, मैं कुछ नहीं बता सकता भाई, इतना ज़्यादा लग्जरी लग रहा है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई हम कोई भी बढ़िया सा गाइस घर लेने वाले, क्योंकि कंटेनर में सोच सको भाई मैं परेशान हो चुका हूँ। तो सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।